ट्रिपल इंजन पर अखिलेश का प्रहार 24 के लिए समाजवादी पटकथा तैयार। लखीमपुर में सजा दिल्ली फतेह का मंच, कौन जीतेगा देश के सबसे बड़े सूबे की जंग। चौबीस की चुनावी जंग को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से पूरे एक्शन में आ गई है, क्योंकि लखीमपुर में दो दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाकर अखिलेश यादव ने दिल्ली की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन भिड़ गए और इसी तरह शासन प्रशासन बीजेपी के लोग जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया होगा। लखीमपुर का प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगा है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सपा के तमाम विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए समाजवादी पार्टी ने भविष्य की पॉलिटिक्स का पूरा खाका खींच लिया है, क्योंकि बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने और नए वोट को जोड़ने को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है। सपा ने इस बार लोहिया के समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों को बड़ी ताकत बनाया है और सभी कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने जीत का मंत्र दिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में बताना, लोकतंत्र की महत्व को बताना और इसके साथ साथ अपने चुनाव के बूथ प्रबंधन और बूथों के मैनेजमेंट के लिए अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ सम्मेलन बूथ का जो प्रशिक्षण शिविर चालू किया। सर्व समाज के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सीएम थे उनके समय जो विकास के कार्य हुए थे, हम जन जन तक पहुंचाकर और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी को जिताने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। और सेक्टर के जो प्रभारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया था, करीब 5,000 ऐसे लोग थे, उनको बताया गया कि भाजपा की जो रणनीति है चुनाव की उससे कैसे निपटा जाए। सबसे ज़्यादा फोकस वोटर लिस्ट पर किया गया, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके क्या क्या हैं। इसके अलावा जन संवाद के लिए कहा गया कि जगह जगह जाकर बूथ पर अपने आप को मजबूत करें, जिससे लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सके, मजबूत की जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी में हो रही गुटबाजी पर भी खूब चर्चा की जा रही है, जिसे स्वीकार करने में शिवपाल सिंह यादव ने कोई गुरेज नहीं की, क्योंकि निकाय चुनाव में सपा की हार का एक बड़ा कारण गुटबाजी रहा है। कई ऐसी सीटें थी जहां पार्टी के विधायक और सांसद अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन शिवपाल ने भरोसा दिलाया है कि 24 से पहले सभी गुटबाजी को खत्म कर दिया जाएगा और जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाया जाएगा। गुटबंदी को खत्म कर देना है और जिस दिन समाजवादी पार्टी की गुटबंदी और ये सब खत्म हम लोग कर लेंगे और समाज में पूरे जनता में ये जो परेशानियां हैं बस हमें तो इकट्ठा करना है, गुटबंदी खत्म करनी है। जानकारों की माने तो लखीमपुर का प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी की तैयारी की सिर्फ शुरुआत पर है। उसकी बड़ी पिक्चर 9 जून को सीतापुर नैमिषारण्य में देखने को मिलेगी, जहां सपा भाजपा को उसी के अंदाज में चुनौती देगी।